आज हम आपको बताएंगे श्राद्ध पक्ष के उन तीन खास संकेतों के बारे में जो स्वयं हमारे पितृदेव हमें दिखाते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको भी कई प्रकार के ऐसे संकेत दिखाई देते होंगे जो पितृपक्ष से जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष अधिक महत्व है। इस साल 13 दिसंबर से लेकर 28 सितंबर तक पितृपक्ष रहेगा। इस दौरान लोग अपने पितरों को तर्पण पिंडदान करते हैं ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। इस दौरान उनकी शांति के लिए पूजा पाठ और पिंडदान भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष पितरों को याद करने का विशेष समय माना जाता है। ऐसे में इन 15 दिनों में पितरों का तर्पण और विशेष तिथि को श्राद्ध करना आवश्यक है। इन दिनों में पितरों के नाम से श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन करवाना महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करना और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप कुल और वंश का विकास होता है और आपके ऊपर सदैव आपके पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है। तो पितरों के लिए किया गया श्राद्ध आपके परिवार के उन मृतकों को तृप्त करता है जो पितृलोक की यात्रा पर है। इस तरह अपने पितरों को श्राद्ध के माध्यम से दी गई वस्तु पहुंचती है और वह श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। अधिकतर लोग श्राद्ध पक्ष में नए काम करने से बचते हैं, लेकिन जिन लोगों पर पितरों की कृपा होती है उन्हें नए काम करने से भी लाभ प्राप्त होता है। अगर आपको पितृ पक्ष के दौरान इस तरह के कुछ खास संकेत दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपके पितर आपके आसपास मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन से हैं ये खास संकेत। दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान अगर आपको कोई सपना ऐसा आए जिसमें आपके पूर्वज दिखाई देते हो तो ये संकेत इस बात का सबूत होता है कि वह आपके आसपास मौजूद है। यदि पितृ पक्ष में आपको सपने में सांप नजर आता है तो समझ जाइए कि आपके पितर आपके आसपास मौजूद हैं। सपने में सांप के आने का संकेत यही है कि आपके पितर आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप घर में बिल्कुल अकेले हैं, बावजूद इसके आपको अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है तो आप ये समझ जाइए कि आपके आसपास आपके पितरों की आत्मा घूम रही है। और ऐसा तभी होता है जब वो आपको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के अलावा ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास संकेत। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।